पवित्र सावन माह के सोमवार को जो मंदिरों में जो भीड़ रहती है वो इस समय लॉकडाउन के चलते नहीं दिख रही है। और यह आप देख रहे हैं कलमी का गुप्तेश्वर मंदिर, जहां पर सावन सोमवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। सैकड़ों की हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है जल चढ़ाने को, पूजा अर्चना करने को। इस समय इस लॉकडाउन में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इस मंदिर को बंद किया गया है और लॉकडाउन की स्थिति आपको दिख रही है। यहाँ हर सावन महीना में हर सोमवार को भक्तों की बहुत बड़ी एक लंबी लाइन रहती है और बहुत ही संख्या में यहाँ भक्त आते हैं जल चढ़ाने को। हर सावन सोमवार को यहाँ पर कई सारे संस्था आते हैं, भंडारा होता है, मेला लगता है और बहुत भीड़ रहती है। यह जो देख रहे हैं यह पूरा एरिया भक्तों की भीड़ बहुत भारी रहती है और यहाँ जल चढ़ाने के लिए कई घंटों तक का इंतज़ार करना पड़ता है। आप इस लिंक से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ होती है, जहाँ लाइन लगाना पड़ता है, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। वहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यह मंदिर पूरा खाली है। जो देख रहे हैं अभी यह है रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक में स्थित कलमी मंदिर। इस मंदिर की यह खासियत है कि यह भगवान स्वयंभू शिव हैं जो खुद प्रकट हुए हैं यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर अंचल से आसपास से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। भजन कीर्तन सत्संग होता रहता है। ये पूरा जगह भक्तों की बहुत ही भीड़ रहती है। यह है गुप्तेश्वर बाबा का गर्भगृह जो कि बंद पड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ समिति के सदस्यों और वॉलंटियर्स को ही अभी अनुमति है आने की। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है और कोविड-19 के चलते इसको लॉकडाउन किया गया है। यह वीडियो हमको हमारे सहयोगी गोपी यादव ने उपलब्ध करवाया है।
सावन सोमवार के अवसर पर ग्राम कलमी पंचायत मचिदा में COVID-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है।